खाली का मुद्दा, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर पहुंचे। वहीं पीएम मोदी आज करेंगे भारत खिलौना मेले का उद्घाटन, वोकल फॉर लोकल अभियान को देंगे रफ्तार। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज जाएंगे वाराणसी, रविदास जयंती पर मंदिर में टेकेंगे माथा। और कुछ दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 24 से 25 पैसे और डीजल में 15 से 16 पैसे की हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर असंतोष है। और वहीं जम्मू से शनिवार को G23 गुट के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे और इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर यहाँ पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि आज विवेक तनखा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी आदि ऐसे नेता पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार बता दें आपको कि पार्टी हाईकमान को भी G23 बैठक की सूचना है, वे अभी बैठक पर निगाहें लगाए हुए हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि G23 गुट के सदस्यों की बैठक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद के आवास पर हो सकती है और वहीं सदस्यों को आजाद के आवास पर ही बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल करने की मुद्दों पर भी चर्चा होगी। खास बात यह है कि अब यह बैठक राहुल गांधी के बयान से नाराजगी के तौर पर है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर असंतोष है। और उस बीच जम्मू से शनिवार को G23 गुट के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे और इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज विवेक तनखा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी आदि नेता यहां पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान को भी G23 बैठक की सूचना है और वे भी बैठक पर बहुत ज्यादा निगाहें लगाए बैठे हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जैसे कि कांग्रेस के G23 गुट की आज जम्मू में बैठक है और उस बीच आज लोकतंत्र बहाली का मुद्दा उठ सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस की जो आला कमान है उन्होंने कोई मौका नहीं दिया उनको, तो ऐसे में जो गुट नाराज चल रहा है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, उसकी आज बैठक होने जा रही है जिसको नाम दिया गया है G23। उसकी बैठक आज जम्मू में होगी। हालांकि ये एक निजी कार्यक्रम भी है कि एनजीओ जो है जो जिसके अध्यक्ष खुद गुलाम नबी आजाद है वहां पर एक कार्यक्रम होगा, लेकिन जो जो कांग्रेस के बड़े नेता है कहा जाए खासकर के आनंद शर्मा, राज बब्बर और विवेक तनखा के साथ साथ मनीष तिवारी जो है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनकी बैठक जो है वो गुलाम नबी आजाद के घर पर होनी है, तो इस पर जो है लोकतंत्र बहाली का मुद्दा जो है वो उठेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि पिछले 15 सालों से की अगर बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने किया क्या है कांग्रेस के लिए, तो इसी बात रविंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं। जी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया है कि इस बैठक में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर और विवेक तनखा हुड्डा और मनीष तिवारी जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनकी बैठक जो है वो होने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।
बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर काफी ज्यादा असंतोष है। और उस बीच आपको ये भी बता दें कि इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। वहीं यूपी के हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे के पास बम्बे पर पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई और जानकारी के मुताबिक तीनों बदमाश गैंग रेप के आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ऑटो सवार महिला से गैंग रेप किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। दूसरी तरफ एक सिपाही और एक दरोगा भी मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि आरोपियों का इलाज चल रहा है और वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल ऑटो, महिला का मोबाइल बरामद कर लिया है। सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें हापुड़ पुलिस ने तीन बदमाशों की हिरासत में लिया, घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे दो साथी भी घायल हुए हैं, SI राम समाज तथा कांस्टेबल इंदर सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं, इसी तरह की घटना। घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद किया जा चुका है, साथ ही साथ महिला का मोबाइल फोन जिन्होंने रख लिया था वो भी बरामद किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। बता दें आपको कि महिला के साथ ऑटो में गैंग रेप हुआ है। आए दिन यूपी में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और उस बीच एक और मामला हमारे सामने दिखाई दे रहा है जहां गैंग रेप होता है ऑटो में और फिर उसके बाद आरोपियों और पुलिस में मुठभेड़ हो जाती है। और वहीं बता दें आपको कि आरोपियों ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ऑटो सवार महिला से गैंग रेप किया था और वहीं मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। और वहीं जैसा कि दिल्ली हो या यूपी, आए दिन ऐसी गैंग रेप जैसी घटनाएं और वारदात बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना यह है कि ये मामला घटेगा या फिर इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक सिपाही और एक दरोगा भी मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। वहीं आरोपियों का लगातार इलाज चल रहा है। वहीं बता दें आपको कि पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल ऑटो, महिला का मोबाइल बरामद कर लिया है। और ये पूरा मामला यूपी के हापुड़ का बताया जा रहा है जहां महिला के साथ ऑटो में गैंग रेप हुआ है। आए दिन ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं लड़कियों और महिलाओं के साथ बढ़ती नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम कौशिक जुड़ रहे हैं। श्याम, यूपी के हापुड़ में महिला के साथ गैंग रेप हुआ है और आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी साधना, आपको बता दें कि हापुड़ क्षेत्र के लखपत क्षेत्र की घटना है जहां पे राज्यवासी लड़की को अपहरण करके लाया जाता है, चलते हुए ऑटो में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उसे पिलखुआ के क्षेत्र के पास एक बम्बे के पास फेंक दिया जाता है जहाँ पे वो अपनी तहरीर लेके तुरंत गाजियाबाद पहुंचती है। गाजियाबाद से उसे टरका दिया जाता है। गाजियाबाद के बाद वो जो पिलखुआ आती है तो उसका नेक्स्ट डे उसकी तहरीर पर अमल किया जाता है, जिसको संज्ञान में लेते हुए हापुड़ कप्तान ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए जाते हैं। आदेश के बाद जब कप्तान के आदेश का पालन करते हुए पुलिस चेकिंग कर रही होती है तभी बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है। शाम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और उस बीच पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? जी साधना, बता दें कि हापुड़ तो अब युवतियों के साथ दुराचार में अव्वल होता हुआ जा रहा है। यह हापुड़ में ही आज कल की पांचवी घटना है जहाँ हापुड़ में 5 वारदात हो चुकी है लड़कियों। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जी साधना, इस पर लेकिन हापुड़ कप्तान की भी अगर बात की जाए तो सख्ती से पालन करते हुए खुद फील्ड में उतर चुके हैं और अपराधियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट उन्होंने सुबह 8:05 दिखाई दिया है। तीनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया जहाँ उनके इलाज चल रहा है और तीनों बदमाशों से महिला का मोबाइल चीजें बरामद हुई है जिसमें दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, हापुड़ कप्तान का कहना है कोई भी महिलाओं के साथ कोई भी अगर घटना होती है तो उसे नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, उसका सख्ती से पालन करा जाएगा। यदि कोई भी दरोगा या थाना इंचार्ज उसमें लापरवाही बरतता है तो उसके साथ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जी बिल्कुल श्याम, ये तो सिर्फ कहा गया है, अब देखना ये है कि कार्रवाई की जाती है या नहीं। और उस बीच महिला का क्या कुछ कहना है इस मामले में?
जी अभी महिला का ये कहना है कि अगर उसके साथ तुरंत ये कार्रवाई करी जाती है तो वो वहाँ से सिद्धार्थी के पास तुरंत गाजियाबाद पहुंचती है और जैसे उसकी तहरीर लिखते तुरंत अमन किया जाता तो ये अपराधी उसी दिन गिरफ्तार हो जाते और कभी नकेल कसी जाती। लेकिन सीमा विवाद को लेकर गाजियाबाद पुलिस जाती रही और हापुड़ पुलिस उन्हें गाजियाबाद के लिए टकराती थी जिसकी वजह दो दिन लेट हो गई और बाद में अमल करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया गया। और अभी तक आरोपियों और पुलिस की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है क्योंकि इसमें पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ बताई जा रही है। इसमें पुलिस और आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। तीनों आरोपी की जो है आपराधिक स्थिति रही है और उनके पास पहले भी उनपे कई मुकदमे हैं जो पैर में गोली लगने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। जी बिल्कुल। इसमें दो पुलिस वाले भी घायल हैं जिसमें एक उप निरीक्षक और एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। इस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं सोचे अगर पुलिस की सतर्क रहे या पुलिस की सतर्कता से ये कार्यवाही हो सके, जैसे ये दो दिन में ही ये केस खोल दिया गया, अगर पुलिस पहले कार्यवाही करती तो अपराधियों पे लगाम लगाई जा सकती है। साधना जी, जी श्याम, श्याम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और लड़कियों और महिलाओं के साथ तो ये चीजें बहुत ही आम होती नजर आ रही हैं। सरकार की तरफ से अगर कहें कि योगी जी के आदेश हैं कि महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाए, उनके लिए एक नई डेस्क भी बनाई गई है जहाँ पे महिलाओं के लिए पहले बात करी जाए, महिलाओं के लिए एक महिला इंस्पेक्टर आरक्षी भी घोषित वहाँ पे तैनात की है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस विभाग में लापरवाही बरत रहा है, कई बार चेकिंग करी जाए तो डेस्क पे कोई भी महिला अधिकारी नहीं दिखाई देती, ना महिलाओं की बात सुनी जाती है। चलिए श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ तो जानकारी साझा करने के लिए। आपको कि महिला के साथ ऑटो में गैंगरेप हुआ है और वहीं ऐसी वारदात लगातार बढ़ रही हैं और उस बीच अब देखना यह है कि सरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है और वहीं प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। वहीं बता दें आपको कि पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल ऑटो और महिला का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बता दें आपको कि छात्र इस प्रतियोगिता के माध्यम से खेल और पढ़ाई आदि के लिए खिलौने डिजाइन और तकनीक तैयार करेंगे और इसमें विजेताओं को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत छठी कक्षा से छात्रों का कौशल विकास समेत छोटे कारीगरों के साथ मिलकर इंटर्नशिप करने के तहत इसमें काम करने को मिलेगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और उस बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाली सभी जगहों से सेनाओं को हटाया जाना जरूरी है, तभी दोनों पक्ष सीमा पर बाकी जगहों से सैनिकों की तैनाती घटाने पर विचार कर सकते हैं। वहीं पेंगोंग झील से सैनिकों के हटने के बाद विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेशी मंत्री वोंग यी के साथ 75 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत में जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को अब पूर्वी लद्दाख में LAC से सटे बाकी मुद्दों को भी जल्द से जल्द हल करना चाहिए। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा का मुद्दा सुलझने में वक्त लग सकता है, लेकिन सीमा पर शांति और सद्भाव बिगड़ने और हिंसा होने के दोनों देशों के रिश्ते पर खराब असर पड़ेगा। और इस बातचीत में जयशंकर ने सैनिकों को वापसी की स्थिति और दोनों देशों के आपसी रिश्तों की भी समीक्षा की।
और आपको ये भी बता दें कि दोनों देशों के मंत्री समय पर विचार के आदान प्रदान के लिए हॉटलाइन संपर्क स्थापित करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की पहली घटना हुई है। वही बीती रात करीब 11 बजे कड़ापारा इलाके में कुछ लोग पहुंचे और परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उस पर लगी एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। वहीं बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की है और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात को 11 बजे बीजेपी के कड़ापारा गोंडा उन्ना में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ दी हैं। और बता दें आपको कि एलईडी भी खोल कर ले गए, शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। वहीं पुडुचेरी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए ईंधन पर वैट घटाया गया है। वहीं बता दें आपको कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 2% कमी की घोषणा की है। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में राहत देने के लिए पहले भी कई राज्य वैट में कटौती कर चुके हैं। जानकारी दे दें आपको कि पेट्रोल पर टैक्स कम करने वाले राज्यों की गिनती में बीते मंगलवार को नागालैंड में भी शामिल हो गया और इससे पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, राजस्थान और असम की सरकारों ने टैक्स कम किए थे। वहीं राजस्थान में 29 जनवरी को वैट 38% से घटाकर 36% तक किया गया था और असम ने भी 12 फरवरी को टैक्स में 5 रुपए की कमी की थी। वहीं मेघालय में सरकार ने पेट्रोल 7.40 रुपए और डीजल पर 7.10 रुपए कम किए हैं। वहीं बता दें आपको कि वहीं नागालैंड में राहत देते हुए पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 11 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं नेगेटिव से पॉजिटिव ग्रोथ रेट हो गया है और भारतीय इकोनॉमिक का वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय इकोनॉमिक ने 0.4 की पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल कर ली है। बता दें आपको कि लॉकडाउन के कारण भारत में अर्थव्यवस्था -7.5 दर्ज की गई थी और इसी तरह भारत मंदी की चपेट में आ गया था, पर अब लगता है कि भारत मंदी के दौर से जल्द ही बाहर आ जाएगा। वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में सरकारी खर्चे और ग्राहकों की मांग और खपत बढ़ने के साथ आर्थिक गतिविधियों और भी तेज हो जाएंगी, जिसका सीधा असर जीडीपी पर विकास दर पर पड़ेगा। कल देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था और लेकिन फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है। बता दें आपको कि ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से बनाई गई पॉलिसी ट्रांसपोर्टर्स के लिए घातक साबित हो सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन भारत बंद से सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। फरीदाबाद में इसका अभी कोई असर नहीं है क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं है, ये ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की तरफ से है। अभी यहाँ पे तो इतना मुद्दा इसका नहीं है और हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसमें बहुत संकट में गुजर रही है। रोज डीजल का रेट बढ़ जाता है, अभी नया उन्होंने जीएसटी में टाइम लिमिट कम कर दी है। जीएसटी में टाइम लिमिट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत मोटी पेनल्टी लगा दी है, जो कि एक आम ट्रक वाला माल या कोई एक वाला है या दो वाला है जो आज किस्त भी नहीं भर सकता, टैक्स भरने की कंडीशन में भी नहीं है, तो इतना जुर्माना कहाँ से देगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मेन मुद्दा प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि वो उसने माल लोड किया, उसने बिल्टी दे रखी है, उसकी गाड़ी को उसका पेमेंट को रोकेंगे, उसको परेशान करेंगे कंपनियां। तो ये जो है नए नए कानून लोग लागू कर रहे हो, उसमें कम से कम एक आम जनता से उसका एक राय तो ले लेनी चाहिए। देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में हमारे पास दो मदर यूनिट हैं एसोसिएशन में, जिसमें एक तो है एटवा और दूसरी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो हमारी जो संस्था जो मदर यूनिट है जिससे हम बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है आशफ अली रोड, तो हमारे प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, मांगे तो जायज हैं, ठीक हैं, बिल्कुल हम मांगों के हिसाब से जायज है, लेकिन एक दिन का टोकन का कोई औपचारिकता नहीं होता। तो इसमें 3 दिन पहले ही जो जीएसटी फाइनेंस मिनिस्ट्री से
हमारा डेलीगेशन मिला है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के पैनल से जाके डेलीगेशन मिला है। जो मांगे थी, जो इन्होंने जो समय सीमा कम की है उससे रिलेटेड जो मांगे थी वो उन्होंने कॉन्क्लूड किया है, समझा है और जल्दी ही उसको सॉल्व करने का आश्वासन दिया है। तो क्या देखो, हमारा जो हरियाणा का है ये भारत बंद नहीं है, क्योंकि जो हमारी पेरेंट एसोसिएशन है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो स्ट्राइक पे नहीं जा रही है। और अनुराग ठाकुर जी जो राज्य फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको बुलाया है और जीएसटी के बारे में जो स्ट्राइक होने जा रही है, दूसरी एसोसिएशन जो स्ट्राइक का ऐलान कर रही है, उसी के लिए जीएसटी के लिए हमारी पेरेंट एसोसिएशन को उन्होंने भाई महंगाई और जीएसटी के प्रावधानों समेत कई मुद्दों के खिलाफ देश भर में बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को नहीं मिला। और यहां सबसे बड़े व्यापारिक संगठन अहिल्या चैंबर की तरफ से बंद के आह्वान का समर्थन नहीं दिया गया। यहां बाजारों में सभी दुकानें खुली दिखी और संगठन की तरफ से साफ कहा गया कि हम बंद का किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। बता दें आपको कि महंगाई और जीएसटी के प्रावधानों समेत कई मुद्दों के खिलाफ देश भर में बंद का ऐलान किया गया था और जिसका असर कहीं भी दिखाई नहीं मिला। बता दें आपको कि वहीं जहां महंगाई और जीएसटी लगातार बढ़ रही है और उस बीच कल बंद का आह्वान किया गया था और इसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम बांगूर नगर इलाके में दिन दहाड़े किन्नरों के गुरु की हत्या कर दी गई, जिसके आरोपों को बांगूर नगर और गोरेगांव पुलिस की टीम ने हत्या में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। बता दें आपको कि पुलिस का कहना है कि 24 फरवरी को किन्नर की हत्या धारदार हथियार और हथौड़े से की गई थी। और इस मामले में बड़ी बात तो ये है कि ये चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं और पहले भी कई बार किन्नर को मारने की कोशिश कर चुके हैं। आरोपी आणि मयत हे एकाच परिसरात राहणारे आहेत। लहान मोठ्या कारणाने त्यांच्यात भांडण होत होते आणि सदर भांडण हे वारंवार होत असल्यामुळे त्यांच्या मयताच्या विषयी त्यांच्या मनात राग असल्यामुळे त्यांनी सदर मयताला यापूर्वी देखील 3-4 वेळेस त्यांनी मारण्याची संधी शोधली, पण त्यांना संधी मिळत नव्हती। त्यांना परवा 24 तारखेला संधी मिळताच त्यांनी त्यांची हत्या केलेली आहे। मयतचा बॅकग्राऊंड काय आहे आणि आरोपीचा बॅकग्राऊंड? मयत हे तिथे प्रेमनगर एरियामध्ये राहणारे आहेत आणि ट्रान्सजेंडरसाठी ते काम करतात आणि त्याचबरोबर इतर सोशल सर्व्हिस देखील ते करत असतात। आणि जे आरोपी आहेत हे ते असं म्हणजे विशेष काय नाही, ते म्हणजे मजुरी वगैरे असे। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में मृतक व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत कराने का मामला सामने आया है। जिले के शोरतगढ़ तहसील के जोगी बारी गांव निवासी महिला ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर फर्जी रजिस्टर्ड वसीयत कराने का आरोप अपने मृतक पति के बड़े भाई के लड़कों पर वसीयत कराने का आरोप लगाया है। बता दें आपको कि महिला का कहना है कि वो अपने पति के साथ गाजियाबाद में रहती थी। वहीं पति की तबीयत खराब होने की वजह से 2016 में ही उसके पति की मौत हो गई थी और अब 2020 में जब वो अपने गाँव आई तो उसके मृतक पति के बड़े भाई के लड़के ने लड़के ने घर में ही नहीं घुसने दिया और वसीयत का हवाला दिया। और महिला ने बताया कि जब मैंने तहसील से जांच करवाया तो पता चला कि मेरे पति की जगह जिसका फोटो लगा है वो फर्जी वसीयत में लगाया गया है, वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति का लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि एक महिला ने अपनी जमीन की फर्जी वसीयत कराने की शिकायत की है। मामले की जाँच लगातार की जाएगी और जो सही होगा उसके अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। नाम शीला देवी है, मेरे पति का नाम हीरा लाल है, मेरे पे 3 बेटी है। 2004 में मेरी शादी हुई है। ग्राम पंचायत जोगीबारी, ब्लॉक जोगिया उदयपुर और थाना सोरतगढ़। सर मुझे न्याय चाहिए, मेरे पे 3 बेटी। कोरोना के टाइम पे मैं अपनी बेटियों को लेके गांव पे आई थी तो मुझे यहाँ पे श्याम सुंदर मार के भगा दिया, बोला यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर मैं किराए पे रही लहड़ा चौराहा पे। सर फिर इसके बाद मैं लड़ाई लड़ती रही, मैं सेक्रेटरी पास गई, सेक्रेटरी भी बोला नाम नहीं दर्ज करूँगा। सर मेरे को न्याय चाहिए। और बेटी का नाम क्या है? मेरे बेटी बड़ी का नाम है सिया, सेक्रेटरी उमेश चंद पटेल। और इसमें सर प्रधान भी मिले हैं, दोनों जन प्रधान जवाहर प्रधान जोगिया बारी। सर मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चियों को न्याय चाहिए, हक चाहिए।
सर मुझे एक और डर है, मेरे साथ मेरे बहन का लड़का आ रहा मेरे साथ, और मतलब मैं जहाँ से हूँ वहाँ से एक और आए हैं, उनके उनको भी धमकी दिया गया, जो लेके आएगा उनको भी मार दिया जाएगा, और आ रही है इसको भी, मुझे सर खतरा है। महिला ने एप्लीकेशन दी है अभी कि उनकी ये फर्जी वाला सब करवा के किसी ने उनकी जमीन हड़प ली है, तो वो हमने ले लिया एप्लीकेशन और उसकी हम जाँच करवा रहे हैं, और उसमें जो भी सही होगा वो कार्रवाई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।